वहीं लोकसभा चुनाव में अब एक ही महीने से भी कम रह गया है। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद अर्चना पाटिल ने कहा कि मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया है और अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। मैंने कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर काम नहीं किया है, इसलिए मैं कोई पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल नहीं हुई हूं। ये मेरी पहली पार्टी है। आपको बता दें कि अर्चना पाटिल के ससुर शिवराज पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। शिवराज पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वह लातूर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद भी रहे हैं। इसके साथ ही वह 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उल्लेखनीय यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं ने बीते दिनों पार्टी का साथ छोड़ा है। इनमें अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी शामिल हैं। अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं और बाबा सिद्दीकी ने अजित गुट के नेतृत्व वाली एनसीपी का दामन थामा था। लोकसभा के चुनाव 5 चरणों में होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल तो वही दूसरा चरण 26 अप्रैल और तीसरा चरण 7 मई को होगा, जबकि चौथे चरण के लिए 13 मई और पांचवें चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। मैंने बीजेपी ज्वाइन की है कोई वजह नहीं, मुझे काम करना है। मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना, यही वजह है बस। मैंने कांग्रेस में कोई आधिकारिक तौर पे काम नहीं किया है, तो मैंने कोई छोड़ के नया कुछ नहीं किया। ये मेरा श्री गणेश है आज पहली बार।